हाय वीवर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सूरत के डूमस बीच की फेमस कोन भेल यानी कि मकाई की भेल की रेसिपी। आसान फूड रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोन भेल बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 1 कप बॉईल किए हुए मकाई के दाने। इन मकाई के दानों को बॉईल करते वक्त हमने 2 कप पानी में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करके इनको 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद हमने इनको रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर और 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज, टमाटर और हरे धनिया को हम मकाई के दानों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शेजवान चटनी, 1/2 टीस्पून मैगी मसाला मैजिक, आप मैगी मसाला मैजिक की जगह पर 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून या फिर स्वाद अनुसार नमक। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि हमने मकाई के दानों को बॉईल करते वक्त भी इसमें नमक ऐड किया था, इसलिए अभी हम इसमें नमक कम ही ऐड करेंगे। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून बारीक बेसन की सेव, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस। देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे कि नींबू का रस हम इसे सर्व करते वक्त ही ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी बनाई हुई कोन भेल को हम सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए हरे धनिए से और बारीक सेव से। गार्निशिंग के लिए हम इसमें चीज़ भी ऐड करेंगे। देखिए चीज़ यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है, बिना चीज़ के भी ये भेल बहुत टेस्टी लगती है। तो लीजिए, खाने के लिए तैयार है सूरत के डूमस बीच की फेमस कोन भेल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सूरती मकाई भेल की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ऐसे ही आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।